टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने बेटा पढ़ा ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट ऑफ विजन एंड उसके डिफेक्ट एंड करेक्शंस के बारे में। अब हमारा जो आपका इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है बेटा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहाँ पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पे एक बात आती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो प्रिज्म होता क्या है, सबसे पहले ये मालूम होता है प्रिज्म होता क्या है, उसमें क्या क्या होता है। तो चलो बेटा प्रिज्म को देखते हैं, प्रिज्म होता क्या है। चलिए बेटा, दिस इज अ ग्लास प्रिज्म बेटा। अब इसको ध्यान से देखें बेटा, ये ग्लास का बना हुआ है, आपको साफ दिख रही रहा है बेटा। इसमें देखो बेटा, एक साइड जो बेटा आपकी साइड है तो बेटा ट्रायंगुलर शेप लग रही है, और एक बेटा आपका रेक्टेंगुलर शेप लग रही है। मतलब ये आपके ट्रायंगुलर शेप की जो अपोजिट साइड होगी फेस होगा वो भी बेटा ट्रायंगुलर होगा। जो रेक्टेंगुलर शेप है बेटा उसका भी जो अपोजिट साइड होगा तो वो भी कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। एंड बेटा जो नीचे वाला है जो बेस है वो भी कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। तो इसलिए बेटा ग्लास प्रिज्म बेटा टोटल 3 रेक्टेंगुलर शेप एंड 2 आपके ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। मतलब 3 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं एंड 2 ट्रायंगुलर फेस होते हैं। आपको जो रिफ्रैक्शन होता है बेटा वो आपका होता है थ्रू आपका रेक्टेंगुलर फेस से। रेक्टेंगुलर फेस में बेटा लाइट फॉल होती है बेटा, वो अदर फेस से क्या हो जाती है, इमर्ज हो जाती है। तो ये बेटा आपका प्रिज्म था। अब ये आपने प्रिज्म देख लिया, अब इसमें बेटा हम आगे टॉपिक में डिस्कस करते हैं। बेटा हम लोगों ने प्रिज्म के बारे में देखा, प्रिज्म क्या होता है। तब बेटा यहाँ प्रिज्म के बारे में और थोड़ा डिटेल में देखते हैं, प्रिज्म है क्या। तो बेटा प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। प्रिज्म क्या, ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट होता है विद द फ्लैट पॉइज सर्फेस। किसके साथ, फ्लैट पॉइज सर्फेस के साथ। दैट रिफ्रैक्ट लाइट एट लीस्ट 2 ऑफ द फ्लैट सर्फेस। मतलब कम से कम इसकी 2 फ्लैट सर्फेस होती है जिनके बीच में एंगल फॉर्म होता है, जस्ट लाइक दिस F1 F2। दिस इज अ प्रिज्म, इसमें 2 फ्लैट सर्फेस F1 एंड F2 और उन दोनों के बीच में एक एंगल है, इसे कहते हैं बिटवीन देम, उनके फ्लैट सर्फेस के बीच में एंगल प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है, द ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म होता है क्योंकि ट्रायंगल शेप का होता है इसे ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म बोलते हैं। मेड ऑफ ग्लास, किससे बना होता है, ग्लास, और उसके साथ क्या क्या होता है, 2 रेक्टेंगुलर एंड होते हैं, 2 रेक्टेंगुलर एंड होते हैं एंड 3 आपके रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। 2 आपका ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। द अपोजिट फेस ऑफ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म आर नॉट पैरेलल टू वन अदर। मतलब जो अपोजिट ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। सिंपल से बोला कि तो अपोजिट फेस ऑफ ट्रायंगुलर ग्लासेस प्रिज्म आर नॉट पैरेलल टू वन अनदर, मतलब एक दूसरे से पैरेलल नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, क्योंकि इन फ्यूचर एक क्वेश्चन सा बनेगा जो फ्यूचर में आपको बताएंगे, तब तक सस्पेंस में रहिए। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। अब बेटा ग्लास प्रिज्म में क्या क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ग्लास प्रिज्म में है क्या क्या, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो बेटा ग्लास प्रिज्म है क्या बेटा, ग्लास प्रिज्म सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब जो रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच में, जो ट्रायंगुलर फेसेस के बीच में जो एंगल बनता है वो आपका क्या होता है, प्रिज्म, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म। तो होता क्या, इट इज द एंगल बिटवीन द 2 रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ प्रिज्म। मतलब 2 रिफ्रैक्टिंग फेसेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसे एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। उसके बाद इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एंगल ऑफ डिविएशन। क्या आता है, एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है बेटा, सिंपल से यहाँ समझ लेते हैं। अभी जब डायग्राम बनाएंगे उसमें जब हम रेस को पास कराएंगे, रे डायग्राम जब प्रिज्म बनेगा कि लाइट कैसे रिफ्रैक्ट करती है, तब बेटा वहाँ पर एंगल ऑफ डिविएशन एक बनेगा। तो बेटा वहाँ पर देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है बेटा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द एंगल ऑफ डिविएशन इज द एंगल मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंटरिंग द फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज मतलब इस फेज से जब एंटर करेगी, फर्स्ट फेज ऑफ द प्रिज्म एंड द रिफ्रैक्ट रे द इमर्ज, मतलब इमर्ज जो होता है फ्रॉम द सेकेंड फेज द प्रिज्म। मतलब एंगल उन दो रेस की बिटवीन बनता है जो बेटा इमर्जेंट रे होती है एंड आपकी इंसिडेंट रे होती है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहाँ पर हम लोग ग्लास प्रिज्म को देखते हैं किस तरह बनाते हैं और
क्या इसका रे डायग्राम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, हमेशा नहीं कह सकते, कभी कभी रेयर केस में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको बेटा हम छोड़ेंगे नहीं कि कभी कभी आता है तो इसको लीव कर दे, बाई चांस आपके उसमें आ सकता है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि इसका रे डायग्राम बनता कैसे। तो रे डायग्राम बनाने ये बेटा रे डायग्राम है बेटा ग्रास पीस में। तो यहाँ पे देखते हैं कि बेटा आपको जो ट्रेंगुलर शेप आपका दिखाई दे रहा है, जो ट्रेंगुलर फेस है बेटा वो प्रिज्म दिखाई दे रही है। तो बेटा इंसिडेंट बीम बेटा एंटर करती है आपका ए बी आर में, जिसे हम फेस फर्स्ट बोलते हैं, बेटा एंटर करती है और नॉर्मल रे के बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एक एंगल बनाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और बेटा ध्यान से देखें बेटा रिफ्रैक्टेड रे है जो बेटा वो पैलर हो जाती है बीसी की, मतलब बेस ऑफ प्रिज्म के क्या हो जाती है, पैलर हो जाती है। एंड और आपके एक इमर्जेंट रे बेटा फेस टू से बेटा या कह सकते हैं एसी से बेटा बाहर आ जाता है, इमर्जेंट रे इमर्ज हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। देखें बेटा बेटा बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड बिटवीन इमर्जेंट रे और नॉर्मल रे एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंड बेटा इंसिडेंट रे को जब हम आगे की ओर बढ़ाते हैं स्ट्रेट लाइन में, और बेटा एंगल इमर्जेंट बीम को भी हम पीछे की ओर ले जाते हैं, तो बेटा इमर्जेंट रे और इंसिडेंट आपस में कट करके एक एंगल बनाती है, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है वो एंगल ऑफ डिविएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल होता है, इसे एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं। और बेटा प्रिज्म का जो सबसे ऊपर वर्टिकल पार्ट में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ये मोस्टली 60 डिग्री एंगल होता है। एंड बेटा आपका ये आपका बन जाता है आपका रे डायग्राम, इसको हम खुद बनाकर देखते हैं तो कैसे बनता है, और चलो बेटा देखते हैं उसको बनाने के लिए हम एक स्टार्ट करते हैं। हमने एक प्लेन पेपर ले लिया, अब प्लेन पेपर हमने क्या करते हैं एंगल बना लेते हैं, मतलब प्रिज्म बना लेते हैं जिसमें एंगल्स होंगे। ये हमारा लुक लाइक प्रिज्म बन गया, क्या बन गया, प्रिज्म बन गया। यहां पर जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट ए, इसको हम बी, इसको हम सी। तो ये बेटा हमारे ए बी फेस होगी, ये हमारी ए सी फेस होगी, इस फेस को हम प्राइमरी एफ वन कह सकते हैं, इसको एफ टू फेस कह सकते हैं। बेटा इंसिडेंट रे आपकी पास होती है एफ वन फेस पे, मतलब फॉल होती है किस पे, एफ वन फेस, मतलब ए बी आर्म पर। अब बेटा ए बी आर्म पे यहाँ पर आपका नॉर्मल रे, नॉर्मल रे बेटा किसके परपेंडिकुलर होती है बेटा, सरफेस के, तो हमारी एक नॉर्मल रे बन गई नॉर्मल रे। बेटा जब भी आपकी इंसिडेंट रे एंटर करती है किसमें, प्रिज्म में, तो बेटा पैलर हो जाती है किसकी, उसके बेस के, बीस बी सी के क्या हो जाएगी, ये रे पैलर हो जाएगी जब भी आपकी ग्लास प्रिज्म में एंटर करेगी, तो मतलब इन दोनों पैलर होते हैं, मतलब ये स्ट्रेट जाएगी, कैसे जाएगी, तो रिफ्रेक्टेड रे बेटा इनसाइड द ग्लास क्या होती है बेटा, पैलर होती है किसके, बी सी के, मतलब उसके बेस की। अब बेटा यहाँ से ये आपकी इमर्ज हो जाएगी बाहर की ओर, कहाँ इमर्ज हो जाएगी, बाहर की ओर। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखें थोड़ा, तो बेटा जैसे यहाँ पर रे हमारी रिफ्रैक्ट होगी, बट एक्चुअली ये रे कुछ इस तरह जानी चाहिए थी, कैसे जानी थी, इस तरह जानी चाहिए। और इमर्जेंट रे को यदि हम और पीछे की ओर लेकर जाएं, ये कुछ इस तरह जानी चाहिए। अब बेटा यहां पर ध्यान दे, तो ये एंगल ऑफ क्या बनेगा, इंसिडेंस बनेगा एंगल आर। इसी तरह जैसे यहां पे नॉर्मल रे, बेटा यहां पर भी नॉर्मल रे होगी एक सरफेस से, नॉर्मल रे। तो ये बेटा आपका रे डायग्राम बन गया किसका, प्रिज्म के। इंसिडेंट रे फॉल होती है ए बी पर, और रिफ्रैक्टेड रे बेटा क्या होती है, पैलर हो जाती है किसके, बी सी के, उसके बेस के। जो प्रिज्म का जो बेस होता है, जो रिफ्रैक्टेड होती है, उससे क्या होती है, पैलर होती है। एंड जब बेटा ये ए सी आर मतलब फेस टू से बेटा बाहर निकलती है, इमर्ज हो जाती है, इमर्जेंट रे कहते हैं उसे, तो ये बेटा नीचे की हो जाती है। एंड बेटा इंसिडेंट रे को हम यदि स्ट्रेट में ले जाएं, तो ये कुछ इस तरह मूव करती है स्ट्रेट में। एंड इमर्जेंट रे को यदि और पीछे ले जाएं, बैक साइड ले जाएं, तो बेटा ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे कट करती है एक पॉइंट पे, ये पॉइंट, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर रिफ्रैक्ट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी एंगल आर रिफ्रैक्शन होता है आर टू,
एंड ये वाला एंगल होता है ई, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये आपके टोटल आपके बन गया। तो इस रे को बेटा इंसिडेंट रे बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसे बोलते हैं बेटा इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे ये बेटा होता है एंगल ऑफ डिविएशन, डिविएशन। ये जो एंगल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होता है, एंगल ऑफ डिविएशन। इसका भी आगे बहुत ज्यादा यूज है, एंगल ऑफ डिविएशन बार बार यूज करेंगे। तो एंगल ऑफ डिविएशन का बहुत ज्यादा यहाँ पर यूज होता है। एंगल ऑफ डिविएशन यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, जब अभी आगे हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे वहां पर बताएंगे आपको किस तरह। तो बेटा ये आपका रे डायग्राम होता है किसका? प्रिज्म का, ग्लास प्रिज्म का। तो ये बेटा आपका रे डायग्राम हो गया। अब बेटा इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं आपके। तो आप पॉइंट्स के बारे में क्या डिस्कस करते हैं बेटा, आते हैं बेटा। द एंगल ऑफ डिविएशन वेरीज विद वेवलेंथ। वेवलेंथ जानते हो बेटा क्या होती है? हर एक कलर की, जितने भी आपके कलर देखते हैं, ब्लू, रेड एंड एनी कलर, सबकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। सबकी वेवलेंथ क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो जो एंगल ऑफ डिविएशन होता है वेरीज विद वेवलेंथ। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ डिविएशन भी क्या होता है? वेरीज होता है। जैसा वेवलेंथ होगी उसी तरह अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? एंगल ऑफ डिविएशन होगा। अब हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं, उन पॉइंट्स पर हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर जब हमने यहाँ पर डायग्राम देखा आपका, तो बेटा यहाँ पर आपको देखा होगा कि यहाँ पर कुछ टोटल हमारे पास चार एंगल बन रहे हैं। चार एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ डिविएशन एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट। यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल को नहीं लेते। तो यहाँ पर यदि रिलेशन देखें बेटा यहाँ पर एंगल्स का, रिलेशन ऑफ ऑल फोर एंगल, रिलेशन ऑफ ऑल फोर एंगल्स। तो बेटा इन फोर एंगल्स कौन कौन से? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। इनका हम यदि रिलेशन देखें तो सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डिविएशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब इन दोनों के सम आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये आपका रिलेशन बनाते हैं। ये चार एंगल्स का आपस में क्या होता है? रिलेशन होता है। कौन कौन से एंगल होते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो इनका ये रिलेशन बन जाता है, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू एंगल आई प्लस एंगल ई। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स बेटा डिस्कस करते हैं हम लोग, और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगला पॉइंट से बेटा एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड अपॉन, जो एंगल ऑफ डिविएशन बना है बेटा वो किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? तो एंगल ऑफ डिविएशन की बात करें तो ये डिपेंड किस पे करता है बेटा, आप देखते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म, कि जो प्रिज्म है उसका एंगल कैसा है? मोस्टली जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वह 60 डिग्री होता है। कितना होता है? मोस्टली 60 डिग्री होता है। मोस्टली बोला इसलिए बेटा कभी कभी चेंज हो सकता है, बट मोस्टली आपका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री होता है। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, जो नेचर जिस प्रिज्म जिस मटेरियल से बनता है उसका नेचर बहुत डिपेंड करता है एंगल ऑफ डिविएशन के लिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसी हिसाब से आपका एंगल ऑफ डिविएशन होगा, एंगल ऑफ डिविएशन होगा। तो बेटा एंगल ऑफ डिविएशन, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको बताया गया कि एंगल ऑफ डिविएशन किस पे डिपेंड करता है। ये तीन पॉइंट पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे आप लोग सोचते होंगे कि जब सब पढ़ाते हैं तो बहुत टाइम कोई भी चीज़ को 2-3 बार रिपीट करते हैं। बेटा रिपीट करने का हमारा एक मोटो होता है। क्या होता है कि जब 2-3 बार किसी चीज़ को लगातार सुनते हैं तो बेटा वो कहीं ना कहीं माइंड में आपकी सेट हो जाती है। जब इस टाइप का कभी क्वेश्चन आता हो आपके दिमाग अपने आप से हिट करने लगता है, इसको कहीं हमने सुना है, इसलिए मैं किसी भी चीज़ को 2-3 बार रिपीट करता हूँ। ठीक, तो बेटा ये, तो यहाँ पर और कुछ इसके अकॉर्डिंग पॉइंट बनते हैं। वो पॉइंट कौन से बेटा? वेर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या करें? इंक्रीज करें। क्या करें? एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करें। तो एंगल ऑफ डिविएशन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन, कुछ इसको इस तरह हम डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप बेटा, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन, ये कह सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज और दूसरा डिक्रीज तो पहला वाला इंक्रीज, मतलब एक दूसरे से इन्वर्सली होते हैं। तो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीजेस एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिक्रीजेस द एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस, मतलब एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, दूसरा इंक्रीज तो पहला वाला डिक्रीज। बेटा इस तरह आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्लास नाइन्थ में आप लोगों को बताया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता क्या है। अब बेटा अगला आते हैं, ये तो हमारे सम पॉइंट्स होंगे इसके। अगला, द रिफ्रैक्टर रे बिकम्स पैरेलल टू द बेस। बेटा अभी जब हमने समझाया था कि रिफ्रैक्टेड रे क्या होती, पैरेलल होती किसके, बेस के, बताया था बेटा बेस के पैरेलल होती रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे हमारी कौन सी है, ये किसके पैरेलल होती, बेस के, जब किसके अंदर होती है, प्रिज्म के अंदर होती है। अब बेटा हमने ऊपर दो पॉइंट डिस्कस किए थे, बट इंसिडेंट एंगल यदि इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे इस एंगल को, तो एंगल ऑफ डेविएशन में क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इसकी बात कर रहे थे हम लोग। तो बेटा वही कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म अंडर द मिनिमम डेविएशन पोजिशन, अंडर द मिनिमम डेविएशन पोजिशन, मतलब मिनिमम डेविएशन पोजिशन होनी चाहिए, ये नहीं कि डेविएशन हो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए डेविएशन हो ही नहीं रहा है। यदि डेविएशन नहीं होगा तो बेटा ये कंडीशंस नहीं आएगी, पैरेलल टू बेस मिनिमम डेविएशन होना चाहिए उसमें। तो बेटा वही कह रहा है कि रिफ्रैक्टेड रे बिकम पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म अंडर द मिनिमम डेविएशन पोजीशन, मिनिमम डेविएशन पोजीशन होनी चाहिए। अब बेटा यदि हम किसी प्रिज्म, जैसे किसी मटेरियल का प्रिज्म बना हुआ है, तो उसको बेटा हम कैसे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालें कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ग्लास का हो या मटेरियल, किसी मटेरियल का बना हो प्रिज्म, तो उसके निकालते कैसे, द एन इक्वल्स टू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन डी अपॉन टू, इसके अपॉन हो जाएगा बेटा साइन एंगल ऑफ प्रिज्म बाई टू। ये बेटा आपका इसका फॉर्मूला होता है किसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ये था आपका टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। यहां तक आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, एक बार चाहे ओरली और रिपीट कर लेते हैं। तो सिंपल सा प्रिज्म जानते हो बेटा क्या होता है, प्रिज्म एक ट्रायंगुलर शेप का होता है बेटा, जिसमें आपकी टू ट्रायंगुलर शेप फेसेस होती हैं एंड थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस होती हैं। बेटा यहाँ पे लाइट बेटा वन फेसेस मतलब ए बी से इंटर करती है और आपकी इनसाइड द ग्लास जाती है, जिस रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल होती है किसके बेटा, बेस ऑफ प्रिज्म के, और इमर्जिंग रे बेटा इमर्ज होती है फेस टू से या ए सी से, और बेटा वहाँ पर इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में इंटरसेट होकर एक एंगल बनाती हैं, जिसे एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं बेटा। तो बेटा ये और रिलेशन हमें यदि एंगल्स में देखें, तो बेटा एंगल्स का रिलेशंस क्या होता है बेटा, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू एंगल आई प्लस एंगल ई। इसी तरह हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो डिपेंड होता है आपके फोर फैक्टर्स पर, सॉरी थ्री फैक्टर्स में, एंगल ऑफ प्रिज्म, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को उसने और एक्सप्लेन करके कहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एंगल ऑफ डेविएशन के, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ डेविएशन का, ये कह सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हो, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज और दूसरा इंक्रीज होगा तो पहला वाला डिक्रीज, तो ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसके बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला बोला प्रिज्म का। अब उसके बाद हमारा अब टॉपिक आ जाता है बेटा डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। बेटा इसको आप क्लास एट में पढ़ा था आप लोगों ने, कि जब आपने बहुत बार देखा होगा जब कोई ग्लास या कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, देखते हैं वो सेवन कलर में
स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, सेवन कलर में, सेवन डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाता है। तो बेटा उसी कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। हम प्रिज्म के थ्रू किस तरह बेटा व्हाइट लाइट को स्प्लिट करते हैं सेवन कलर में, ये आपको जो एक्सपेरिमेंट था ये आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने किया था। तो इसमें होता है क्या उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले उसके यार डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम बनता कैसा है बेटा। तो बेटा चलिए डायग्राम पे फोकस करते हैं। अब बेटा ये डायग्राम है बेटा डिस्पर्जन थ्रू ग्लास प्रिज्म का। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है बेटा सनलाइट बेटा एक तरफ से बेटा ग्लास प्रिज्म एंटर कर रही है और बेटा अपोजिट साइड से बेटा आपके सेवन कलर बेटा स्प्लिट हो रहे हैं। बेटा जहाँ आपके जो सेवन कलर के स्प्लिट हो रहे हैं बेटा फेस फर्स्ट से बेटा हो रहे हैं जहाँ पे सनलाइट एंटर कर रही है इनसाइड द बेटा प्रिज्म देखें तो कलर आपका अंदर से स्प्लिट होने स्टार्ट हो जाता है, मतलब फेस फर्स्ट से स्टार्ट होने स्टार्ट होते हैं। और बेटा इधर हम वाइड स्क्रीन में रख कर बेटा प्लेस करके वहाँ पर सेवन कलर को हम डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे कलर की बात करें तो सबसे ऊपर रेड है, फेस के बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ये कलर की आपकी सिचुएशन होता है। वायलेट सबसे नीचे होता है और रेड सबसे ऊपर होता है। इसके पीछे भी एक रीज़न होता है क्योंकि आपका जो रेड की जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास प्रिज्म होती है सबसे ज़्यादा होती है एंड वायलेट की जो आपकी स्पीड ऑफ ग्लास प्रिज्म होती है सबसे कम होती है। तो स्पीड ऑफ रेड कलर बेटा मैक्सिमम होती है एंड वायलेट कलर की जो स्पीड होती है सबसे कम होती है। इसकी वजह से तो आपका एंगल ऑफ डिविएशन होता है रेड कलर का लीस्ट होता है और वायलेट कलर का मैक्सिमम होता है। तो ये बेटा आपका था सेवन कलर स्प्लिट करने। इसके कुछ और पॉइंट्स बेटा उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटा, आगे चलते हैं। चलते बेटा यहाँ पर अपने डायग्राम में देखा बेटा डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट में आपका किस तरह बेटा एक वाइट लाइट बेटा सेवन कलर में क्या हो जाती है स्प्लिट हो जाती है। अब यहाँ पर स्प्लिट कैसे होती है बेटा इनका पूरा हम पढ़ते हैं बेटा क्या क्या होता है इसमें। कह रहा इफ अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म द वाइट लाइट स्प्लिट टू फॉर्म अ बैंड सेवन कलर ऑन अ वाइट स्क्रीन। मतलब कह रहा जब वाइट सनलाइट को बेटा हम इंटर कराते हैं ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है बेटा क्या होता है कि वहां पर वाइट लाइट बेटा स्प्लिट हो जाती है सेवन कलर की और सेवन कलर के बैंड्स बना लेते हैं। बैंड्स मतलब एक जैसे आप रबड़ बैंड बैंड बांधते हैं उस टाइप के बैंड्स बना लेते हैं जिन्हें स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। फिर अगला बेटा पॉइंट है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट वाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। मींस बेटा जो बीम ऑफ लाइट पास हो रही है ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में उसके अंदर बीम ऑफ जो वाइट लाइट बेटा सनलाइट से आ रही वाइट लाइट बेटा जो पास होती है किसमें ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में उस वाइट लाइट को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट बोलते हैं। उसके बाद बेटा सेवन कलर ऑफ स्पेक्ट्रम आर जो सेवन कलर बेटा वाइट लाइट और सेवन कलर जो स्प्लिट होते हैं वो सेवन कलर को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मैंने अभी बताया बेटा बैंड को स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। वो कौन कौन से कलर हैं बेटा? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। कौन कौन से? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। मतलब बेटा ये ऊपर से नीचे मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर यदि हम बनाने की कोशिश करें ऊपर से नीचे की ओर आता है बेटा। क्या है सेवन कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम और रेड ऑलरेडी हो चुका सॉरी बेटा। सेवन कलर कैन बी डिनोटेड बाय वर्ड मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा डिनोट किया जाता है विग्योर। क्या किसमें? विग्योर VIBGYOR। V मतलब वायलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मीन्स ऑरेंज एंड R मीन्स रेड। इसका मतलब ये होता है। अब ये कैसे स्प्लिट करते हैं अब इसको देखते हैं। इसका डायग्राम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। डायग्राम पे हम डिस्कस करते हैं किस तरह इसका डायग्राम बनता है। तो डायग्राम की बात करें हम लोग तो चलो बेटा डायग्राम पे देखते हैं। अब बेटा हमने एक वाइट वो ले लिया। अब डायग्राम बनाते हैं बेटा। बेटा सिंपल से एक प्रिज्म बनाएंगे। प्रिज्म बन गया। यहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म होगा ए। बेटा व्हाइट लाइट बेटा फॉल डाउन होगी फेस वन पे। अब बेटा जो कलर होते हैं स्प्लिट होते हैं यहां से आना स्टार्ट होते हैं। जो डायग्राम देखा होगा उसमें आपको यहां दिखा होगा
यहां पर आपके कुछ इस तरह स्प्लिट होते हैं। कुछ इस तरह आपके 7 कलर बनते हैं। स्प्लिट हमेशा यहां से होगी। क्या करते हैं कुछ बच्चे, यहां से स्प्लिट करा देते हैं कुछ इस तरह। बेटा ध्यान से देखना, कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, ये मैंने प्रीवियस ईयर में बहुत सारे बच्चों को गलतियां करते हुए देखा है। आप लोग मत करिएगा, इसलिए पहले बता देता हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आपका जो डायग्राम है कुछ इस तरह बनाते हैं, यहां से ले जाएंगे, यहां से स्प्लिट कराते हैं कलर को। तो ये बेटा ये रॉन्ग है, ये अब डायग्राम रॉन्ग होता है। राइट आपका ये होता है, आपका हमेशा जो फर्स्ट फेस से ही बेटा जब लाइट इंटर करती है यहीं से आपका क्या होता है कलर स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेटा इस तरह आपका ये स्प्लिट होते हैं कलर आपके 7 कलर में। तो आपका रेड सबसे ऊपर होता है, तो ये इसका जो होता है विग्योर, आपका इस तरह वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 1 2 3 4 5 6 हुए, मतलब एक हम लोग मिस कर गए, ब्लू, सॉरी बेटा ब्लू, विग्योर। विग्योर बेटा ये कुछ इस तरह कलर आपके अरेंज होते हैं, सबसे नीचे वायलेट, सबसे ऊपर रेड होता है। इसके पीछे भी रीजन है कि सबसे ऊपर रेड क्यों होता है और सबसे नीचे वायलेट क्यों होता है, इसके पीछे भी एक रीजन है। उस रीजन को ही हम लोग आगे पढ़ते हैं कि वो रीजन क्या है जिसकी वजह से रेड सबसे ऊपर होता है और वायलेट सबसे नीचे होता है। तो आपका ये डायग्राम कुछ इस तरह बनाया जाता है। आपका हमेशा जो कलर स्प्लिट होंगे आपके ए बी फेस, मतलब फर्स्ट फेस से होंगे ना कि सेकेंड फेस से, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब बेटा आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पर विग्योर का बेटा फुल फॉर्म पढ़ लिया कि विग्योर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा। उसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिफिनेशन आ जाती है क्या होता है। द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर, द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मिरर लाइक ग्लास प्रिज्म। मतलब ग्लास प्रिज्म में जब भी कोई व्हाइट लाइट इंटर करती है तो स्प्लिट हो जाती है कितने कलर में, 7 कलर का। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट इंटर द ग्लास प्रिज्म एंड स्प्लिट इनटू 7 कलर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एक डिफरेंस इसकी ये बन जाती है, बट यहाँ पे डिफिनेशन जो लिखी वो बहुत अच्छी है। द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर ऑन पासिंग थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। बेटा ट्रांसपेरेंट मीडियम और भी होते हैं जिनमें बेटा स्प्लिट हो जाती है, यहाँ पर हम कौन सा ले रहे हैं, मेनली ग्लास प्रिज्म ले रहे हैं। तो यहाँ पर केवल मेनली ग्लास प्रिज्म ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम ग्लास प्रिज्म की बात करते हैं, बट अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम भी होते हैं जिससे बेटा स्प्लिट, कभी कभी आप देखते होगे बेटा, आपने भी किया होगा कि स्केल के थ्रू आप स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं और स्प्लिट भी होते हैं वहाँ पर कलर, स्केल के थ्रू करते हैं आप लोग बचपन में धूप में स्केल को ऐसे धकते होंगे, देखते होंगे बेटा, उसमें भी 7 कलर स्प्लिट होते हैं। तो बेटा वही चीज़ यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मीडियम यूज़ किया, केवल ग्लास पीस बने। अब बेटा यहां पर और बात करें तो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट अकर बिकॉज कलर ऑफ वाइट लाइट ट्रेवल एट अ डिफरेंट स्पिन थ्रू द ग्लास पीस। कह रहा डिस्पर्जन ऑफ लाइट अकर बिकॉज कलर ऑफ वाइट लाइट। बेटा जो वाइट लाइट में बहुत सारे कलर होते हैं, क्योंकि बेटा जो वाइट लाइट होती है 7 कलर से मिलकर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 7 कलर होता है वाइट लाइट का। जैसे आपने न्यूटन डिस्क पढ़ी होगी क्लास 7 या 8 में, सेवेंथ में, न्यूटन डिस्क क्या बेटा, हम 7 कलर की एक डिस्क बनाते हैं सर्कुलर और उसको बहुत फास्टली रोटेट कराते हैं, तो आपको वो कलर डिसअपियर हो जाता है, केवल व्हाइट लाइट दिखाई देती है, व्हाइट दिखाई देता है। तो वही बेटा जो आपकी व्हाइट लाइट होती है 7 कलर का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो बेटा जब 7 कलर तो होते हैं तो बेटा सारे कलर्स के जो जितने भी कलर्स हैं बेटा विग्योर में, सब कलर्स के जो आपकी ग्लास के अंदर इनसाइड द ग्लास जो स्पीड होती है डिफरेंट होती है, इस कलर की लाइट की बेटा जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब क्यों होती है इसके पीछे रीजन के पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि आपके इसमें ये नहीं है, अभी केवल इतना ही आपको पढ़ना है, क्यों जाती है उसमें आप चलेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए बेटा वाइट लाइट डिफरेंट स्पीड थ्रू द ग्लास प्रिज्म, द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ बेंडिंग डिपेंड ऑन द स्पीड कलर लाइट इन ग्लास ऑन द कलर लाइट इन। मतलब जो आपका रिफ्रैक्शन ऑफ बेंडिंग, जो बेंडिंग या रिफ्रैक्शन जो होता है अमाउंट, जितने भी अमाउंट में रिफ्रैक्शन ऑफ बेंडिंग होगा लाइट का, वो डिपेंड करता है कम्प्लीटली किस पर, स्पीड ऑफ कलर लाइट,
कलर लाइट की स्पीड पर डिपेंड करेगा। सिंस द डिफरेंट कलर ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट कलर डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करते हैं, दे आर रिफ्रेक्ट और बेंड डिफरेंट एंगल, इसी वजह से वो डिफरेंट एंगल में क्या होते हैं, बेंड होते हैं। डिफरेंट स्पीड है, डिफरेंट तरीके से बेटा रिफ्रैक्ट होंगे, डिफरेंट स्पीड के होंगे, जिसकी वजह से आपको जो बेंड होते हैं डिफरेंट एंगल्स में होते हैं। अब बेटा यहाँ पे द रेड कलर हैज द मैक्सिमम स्पीड, रेड कलर की क्या होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है। क्यों होती है बेटा, रेड कलर की जो वेव लेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है, क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो बेटा मैक्सिमम स्पीड में मूव करते हैं ग्लास, सो द रेड कलर डेविएटेड द लीस्ट। अब डिविएटेड मीन्स होता है डिविएशन एंगल, यहाँ पे डिविएटेड का वर्ड जो यूज किया हुआ है डिविएशन एंगल की बात कर रहा है। तो मीन्स कह रहा है रेड कलर हैज द मैक्सिमम स्पीड, रेड कलर की जो स्पीड होती है मैक्सिमम होती है, इस वजह से उनका जो डिविएशन एंगल होता है सबसे कम बनता है। क्या होता है, सबसे कम बनता है। क्यों कम बनता है बेटा, ध्यान से आपने देखा होगा आपका रेड कलर सबसे ऊपर है, यदि हम इसका एंगल बनाएंगे, इसको सीधे ले जाएं और ये यहां से हो रहा है, ये बन रहा है। अब ब्लू कलर का हमारा वायलेट कलर के यहाँ आ जा रहा है, देखो ये एंगल इतना बन रहा है, ये एंगल इतना बन रहा है, ध्यान से देखें। इसको यदि बैक साइड लेकर आए, ये कुछ इस तरह बनाएगा और हम वायलेट कलर में सबसे ज़्यादा, तो बेटा ये, तब बेटा यहाँ पे खुद दिख रहा होगा कि रेड कलर जो रेड लाइट का है उसका एंगल ऑफ डिविएशन कितना कम है और जो वायलेट लाइट का एंगल ऑफ डिविएशन कितना ज़्यादा है। तो यहीं पर आपका इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो बेटा वही कह रहा है, द रेड कलर हैज द मैक्सिमम स्पीड, सो डिविएशन एंगल इज लीस्ट, सबसे कम होता है। वायलेट कलर द मिनिमम स्पीड ऑफ ग्लास प्रेस, वायलेट की सबसे कम स्पीड होती है ग्लास प्रेस में, इसकी वजह से क्या था, सो दैट वायलेट इट डेविएटेड मैक्स, मतलब मैक्सिमम आपके डिविएशन किस में होता है, वायलेट में होता है। मैक्सिमम डिविएशन कौन सा होता है बेटा, वायलेट शो करता है। इसके बाद कह रहा है दिस कलर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, जो यहाँ पे कलर अभी नीचे दिए गए हैं हमने सेट किए हैं बेटा, कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फ्रिक्वेंसी अकॉर्डिंग है, किस इंक्रीजिंग, किसकी अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी अकॉर्डिंग बट डिक्रीजिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ की डिक्रीजिंग। तो बेटा ध्यान से देखें, इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी होती है, रेड की, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ठीक। एंड डिक्रीजिंग वेवलेंथ, रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसमें होती है, रेड में होती है, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसमें होती है, रेड में होती है। तो मतलब जस्ट अपोजिट चलता है किसके, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी जस्ट अपोजिट होते हैं। रेड में सबसे कम फ्रिक्वेंसी होती है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वायलेट में सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है तो बट वेवलेंथ सबसे कम होती है। सॉरी बेटा, यहाँ पर जो डायग्राम बनते हैं थोड़ा गलत बन गया, सॉरी बेटा, इस तरह बनेगा ये। तो ये बेटा, तो ये आपका था ग्लास प्रिज्म में स्प्लिटिंग, मतलब डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब इसमें कोई डाउट हो बेटा जरूर डिस्कस करिए बेटा। अब यहाँ पर हम कुछ वेवलेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है बेटा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ हमको रेड की होती है बेटा, हमारे रेंजिंग जो होती है, रेंज होती है बेटा रेड की 7800 एंगस्ट्रॉम टू 6400 एंगस्ट्रॉम। बेटा एंगस्ट्रॉम जो ए के ऊपर बेटा जीरो टाइप का बना हुआ है इसे एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम इस कस्टू होता है बेटा 10^-10 मीटर, कितना होता है 10^-10 मीटर होता है। तो यहाँ पर आपके डिफरेंट कलर की बेटा वेवलेंथ दी गई हैं जिनको आपको याद करना है, क्योंकि ये पूछी जाती हैं कभी कभी, कभी पूछ लिया जाता है कि येलो कलर की वेवलेंथ रेंज क्या होती है, ब्लू कलर की वेवलेंथ रेंज क्या होती है। यहाँ पे सभी की वेवलेंथ रेंज दी गई हैं, सबसे कम जो वेवलेंथ रेंज है वो किसकी है, वायलेट की, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेंज किसकी है, रेड की है। तो बेटा यहाँ पर सभी वेवलेंथ दिए गए हैं, और ये ध्यान रखना कि एक एंगस्ट्रॉम इस कस्टू होता है 10^-10 मीटर। अब बेटा हमारा आ जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर टू द गिवन वाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन का मीन्स क्या है यहाँ पर, इसको पहले हम डायग्राम से समझते हैं, फिर उसके बाद इस पर डिस्कस करते हैं रिकॉम्बिनेशन मीन्स होता क्या है। अब ये बेटा डायग्राम आपका रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट का। बेटा यहाँ पे हम दो आइडेंटिकल प्रिज्म लेते हैं जो
बोथ आपस में इक्वल होते हैं, मतलब बोथ आपके सेम होते हैं, मतलब सेम उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेम एंगल ऑफ प्रिज्म एंड मतलब इक्वली हर एक चीज़ पार्ट बेटा उनकी क्या होती है, आपस में इक्वल होते हैं। बेटा एक को हम प्रिज्म को बेटा वन ऑफ द प्रिज्म को बेटा हम इरेक्ट रख देते हैं एंड सेकेंड बेटा प्रिज्म को हम इन्वर्टर रख देते हैं उसी के जस्ट बगल में थोड़ा गैपिंग में बेटा। यहाँ पर जैसे आपको दिखाया गया ग्लास प्रिज्म पी वन एंड ग्लास प्रिज्म पी टू। बेटा एक आपको जो इरेक्ट ग्लास प्रिज्म है उसको डिस्पर्जन बोला गया, मतलब यहाँ पे लाइट आपकी डिस्पर्ज होगी, मतलब लाइट स्प्लिट होगी सेवन कलर में। एंड बेटा ग्लास प्रिज्म टू को बेटा रिकॉम्बिनेशन बोला गया, मतलब यहाँ पर सेवन जो कलर्स होते हैं स्पेक्ट्रम होते हैं वो रिकम्बाइन होकर एक सिंगल लाइट मतलब वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर डायग्राम में आपको साफ दिख रहा है कि वाइट लाइट बेटा एंटर करती है डिस्पर्जन मतलब ग्लास प्रिज्म में, बेटा डिस्पर्ज हो जाती है सेवन कलर में, सेवन कलर बेटा फॉल डाउन हो जाते हैं बेटा प्रिज्म टू में और बेटा रिकम्बाइन होकर एक वाइट लाइट में क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो मतलब क्या होता है कि वाइट लाइट बेटा स्प्लिट हो जाती है और सेवन कलर में चेंज हो जाती है और सेवन कलर एक सिंगल वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि सेवन कलर आपस में रिकम्बाइन होकर बेटा वाइट लाइट फॉर्म करते हैं और वाइट लाइट बेटा स्प्लिट होकर बेटा सेवन कलर में आती है। तो इससे ये पता चलता है कि जो वाइट लाइट होती है वो सेवन कलर से मिलकर बनी होती है। तो ये आपका था रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट बेटा। कुछ इस तरह आपने देखा होगा अभी प्रीवियस डायग्राम कुछ इस तरह बनाया जाता है इसको, आपने बेटा देखते हैं कैसे बनेगा। एक हमने प्रिज्म बनाया, जो दोनों प्रिज्म लेते हैं बेटा, दोनों जो प्रिज्म लेंगे ये ध्यान रखना दोनों प्रिज्म की जो सेम होने चाहिए, ये नहीं कि दोनों प्रिज्म डिफरेंट हो, दोनों प्रिज्म कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम एंगल ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब हर चीज़ उसकी सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अब बेटा यहाँ से हमने क्या किया, वाइट लाइट को इंटर कराया। अब बेटा ये प्रिज्म फर्स्ट, ये प्रिज्म सेकेंड, प्रिज्म फर्स्ट की बेटा फेस फर्स्ट पे हमने ए बी आर आर में बेटा फॉल हुई, बेटा स्प्लिट हो जाए किसमें, सेवन कलर में, किसमें, सेवन कलर में, सेवन कलर में स्प्लिट हो गई बेटा। अब ये सेवन कलर बेटा इससे बेटा कुछ रिकम्बाइन हो जाते हैं आपस में, फिर से जुड़ जाते हैं और बेटा एक वाइट लाइट में क्या हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं। एक वाइट लाइट कहाँ निकल आती है, बाहर निकल आती है। ये डायग्राम कुछ इस तरह बनता है कि बेटा प्रिज्म फर्स्ट में हम वाइट लाइट एंटर कराते हैं और सेवन कलर में स्प्लिट हो जाते हैं, सेवन कलर फॉल डाउन होते हैं बेटा नेक्स्ट सेकेंड प्रिज्म के आर्म में और फिर आपस में रिकम्बाइन जुड़ जाते हैं और वाइट लाइट आपकी क्या हो जाती है, बाहर जाती, सेकेंड प्रिज्म से वाइट लाइट बाहर जाती है। तो इसे बोलते हैं बेटा रिकॉम्बिनेशन आप स्पेक्ट्रम ऑफ कलर टू गिव वाइट लाइट। ये आपका ये तो कह रहा सेवन कलर लाइट ऑफ द स्पेक्ट्रम कैन बी रिकम्बाइन टू गिव वाइट लाइट, मतलब सेवन कलर जब आपस में रिकम्बाइन होते हैं हमें क्या मिलते हैं, वाइट लाइट मिलती है। तो ये हमारा था बेटा आज का आपका इतना टॉपिक। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा रेनबो के बारे में, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के बारे में कि एटमॉस्फेयर में लाइट किस तरह बेटा रिफ्रैक्ट होती हैं, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कैसे चेंज होती है लेयर टू लेयर एंड आपका स्टार टिंकल्स क्यों करते हैं, स्टार टिंकल्स क्यों करते हैं एंड आपका अपेरेंट पोजीशन एंड एक्चुअल पोजीशन स्टार की क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना वीडियो बेटा अच्छा लगा हो तो बेटा कमेंट्स जरूर करिएगा क्योंकि कमेंट्स से हमें पॉजिटिवनेस मिलती है, हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि आपके व्यूज़ कैसे हैं, तो हमें इम्प्रूवमेंट में हेल्प मिलती है। एंड लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें बेटा एंड गुड डे बेटा, हैव अ नाइस डे।